मेरी स्माइल देखें कितनी ज़बरदस्त है, उन्हीं की वजह से है। और यहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। दांत नहीं है उनको मालूम है कि ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो ना सही स्माइल दे पा रहे हैं सोशली, वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी में रहते हैं, उनका खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, वो लिक्विड कई बार वो लिक्विड या खिचड़ी टाइप की चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जिनको दांत नहीं है। और डेंटल इम्प्लांट्स में हाईडेंट वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है इंडिया में, आप उसको इंटरनेट के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, यू विल फाइंड दैट हाईडेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड आवर सक्सेस रेट इज़ मोर देन 99%, विच इज़ वेरी 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 रेयर इन इंडिया। एंड बस यही है, बट हमारी डेंटिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हम एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं। हमारे मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हैं वो MDS है, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, और हम उन हर एक क्लिनिक में आपको MDS डॉक्टर्स ही नज़र आएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हम जो इस ट्रीटमेंट को इस लेवल पे दें कि पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट मिला है वो उसको रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए कामयाबी रहे उसमें। सर, क्या इस चेन को आगे ले जाएंगे? ऑफकोर्स यस, हम बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा गुड़गांव में है, नोएडा में है और दिल्ली में है, आने वाले टाइम में हम CR पार्क में एक क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा पटना में जस्ट आफ्टर 1 month पटना में हमारा एक ब्रांच स्टार्ट हो रहा है, हमारा कोचिन में एक ब्रांच स्टार्ट हो रहा है। तो ये है हमारी सक्सेस स्टोरी, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने क्वालिटी ट्रीटमेंट अब तक दिया है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे इसको मेंटेन करने की, और इसमें कहीं भी हम चुकेंगे नहीं। सर, डेंटल इम्प्लांट में 3 लाख से 8 लाख तक रुपए पैसे लग रहे हैं सर, तो एक मिडिल क्लास वाला कैसे सर ये अब इसका जो है कोई आंसर है नहीं किसी के पास, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है, इम्प्लांट्स उसमें लगते हैं, उसमें फिर डॉक्टर की स्पेशल स्किल लगती है, उसके अलावा उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। उसको अगर आप रिड्यूस करने जाओगे तो आप क्वालिटी नहीं डिलीवर कर पाओगे। तो अगर मान लो कोई सस्ते से सस्ता कराने की कोशिश करेगा तो उसमें मैक्सिमम चांसेस है वो कि वो एक बहुत नौसिखे हाथ के अंडर में चला जाएगा और उसके वजह से उसको मज़ा नहीं आएगा, फिर वो आने वाले टाइम में वो डेंटल इम्प्लांट्स फेल हो सकते हैं। तो इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि सर जिसके पास पैसे नहीं है उनके लिए क्या है। ऑफकोर्स उनके लिए दूसरे ऑप्शन है, डेंचर वगैरह ऑप्शन है, लेकिन डेंटल इम्प्लांट्स एक्सपेंसिव है। और आपको मानना चाहिए कि इंडिया में फिर भी हम 3 लाख 4 लाख की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी और कंट्रीज में जाएंगे जैसे US वगैरह में जाएंगे तो इट कॉस्ट मोर देन 50 लाख रुपीज़। आप सऊदी वगैरह में जाएंगे, मिडिल ईस्ट में जाएंगे, वहाँ पे इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो 10-15 लाख के आसपास का खर्चा आता है। तो उस हिसाब से वी आर लक्की, वी आर इन इंडिया एंड हमारे यहाँ कॉस्टिंग जो है वो बहुत कम है, 3 to 5 lakhs है। और डेंटल इम्प्लांट्स ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी देता है क्योंकि उसके बाद आप प्रॉपर लाइफ जी रहे होते हैं, प्रॉपर खाना खा रहे होते हैं, आपका इंटेस्टाइन प्रॉपर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग जिनके पास दांत नहीं है उनको मालूम है कि ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो ना सही स्माइल दे पा रहे हैं सोशली, वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी में रहते हैं, उनका खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, वो लिक्विड कई बार वो लिक्विड या खिचड़ी टाइप की चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको दांत नहीं है, और वो उनको परमानेंट सोल्यूशन देता है। भाई आज़म भाई को सपोर्ट करने आया हूँ, उनकी नई क्लिनिक खुल रही है यहाँ पे दिल्ली में जसोला में, डेंटिस्ट्री की हाई डेंट करके नाम है, और मुंबई में मैं उन्हीं के यहाँ जाता हूँ। मेरी स्माइल देखिए कितनी ज़बरदस्त है, उन्हीं की वजह से है। और यहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, इतने बेहतरीन कलाकारों ने परफॉर्म किया, हंस हंस के मेरा पेट अभी दर्द कर रहा है। पहली बार आया हूँ इस तरफ शाहीन बाग में। अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ में कुछ वजह से था, लेकिन यहाँ पे आके देखा तो माहौल बहुत अलग है, और थैंकफुली वो माहौल नहीं है जो पहले कुछ महीनों या कुछ साल पहले था। तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे सब यहाँ पे मुसलमान भाइयों के बीच में चाहते हैं रील में और रियल में फ़र्क है। बिल्कुल, जो देखिए जो चल रहा था यहाँ पे मुद्दा उस वक्त पे, तो ऑब्वियसली हालात अलग थे, लेकिन अब थैंकफुली सारी चीज़ें शांत हो गई हैं, और बहुत मज़ा आया यहाँ पे सभी से मिलके और सभी के साथ इंटरेक्ट करने में, बहुत अच्छा। शाहीन बाग आकर के कैसा लगा आपको? दोबारा आप आना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा, और दिन के टाइम आऊँगा, अभी तो रात का वक्त था तो इतना कुछ देखने को मिला नहीं, माहौल अलग है दिन के टाइम में और रात के टाइम में। जरूर जरूर, अच्छा जरूर आऊँगा, जरूर यमुना नदी है जी। जामिया के बारे में क्या कहेंगे? जामिया यहीं पर है? अच्छा, मुझे पता नहीं है, जामिया यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहीं पर है।
जामिया नगर में। अच्छा, तो शायद मैं कल आके यूनिवर्सिटी में भी थोड़ा एक चक्कर लगाऊंगा देखने के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया।